ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मलिका हिंद, जो मसाले तुर्की भेजे जाने वाले थे उनकी तारीख एक हफ्ते बाद की थी, लेकिन पैगाम के हिसाब से उनकी तारीख आज की थी। ये कैसे हो सकता है? इतनी शीघ्र मसाले कैसे पहुंचा सकते हैं उन तक? टोडरमल जी, आप एक काम कीजिए, उन व्यापारी को एक पत्र भिजवाइए जिसमें लिखिए कि वर्षा अधिक होने की वजह से रास्ते बंद हो गए और उसी वजह से हम बंदरगाह तक सामान नहीं पहुंचा पाए हैं। जैसे भी करके आप उनसे समय मांगिए, क्योंकि इस समय हमारी प्राथमिकता शहंशाह को ढूंढना है। पहले ही शहंशाह लापता है, उस पर मुराद का लोगों से मिलना एक और नई समस्या। हे काना, परीक्षा पर परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप हमारी? क्या हुआ जोधा बेगम, क्या सोच रही हैं आप? सलीमा बेगम, कोई जानबूझकर समस्या पैदा कर रहा है, पर कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानेंगे। टोडरमल जी, हम स्वयं अपनी तरफ से उन्हें पत्र भिजवाएंगे जिसमें देरी के लिए हम उन व्यापारियों से क्षमा मांगेंगे। तब तक आप व्यवस्था कीजिए कि मसाले शीघ्र ही उनके पास पहुंच जाए। जी मलिका जी, प्रणाम। जल्दी करो, रुकैया बेगम हमारी जान ले लेंगी। देख के नहीं चल सकती हो? आंखें तो तुम्हें भी दी हैं खुदा ने। तुम जानती नहीं हो हमें, रुकैया बेगम की बांदिया हैं हम। बांदिया हैं बेगम नहीं, तमीज से चला नहीं जाता। और चले हमें समझाने? अरे अरे, झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम दोनों? देखो ना, हमारे पूरे कपड़े गंदे कर दिए। कोई बात नहीं, कपड़े तो गंदे हुए हैं, अपनी जुबान क्यों गंदी कर रहे हो? चलो तुम दोनों जाओ अपने काम पर और तुम जाकर वस्त्र बदल लो। वक्त पे हमें रुकैया बेगम को हुक्का पहुंचाना था, देर हो गई तो वो नाराज हो जाएंगी। देख लेना, तुम्हारी शिकायत करके रहूंगी और तुम्हें सजा दिलवा के रहूंगी। सुनो, यहाँ क्या कर रही हो? वो देख रहे थे गोदाम में पानी तो नहीं जा रहा। ये तो वही है जिन्हें उस दिन मैंने मसालों के गोदाम के आसपास देखा था। मतलब रुकैया बेगम के दासियां किसान महिला बनकर वहां गई थी, मगर क्यों? मुझे ये बात जोधा बेगम को तुरंत बतानी होगी। ये क्या कह रही हो तुम मोती? हाँ जोधा बेगम, हमने अपनी आंखों से देखा था। और आज हमने देखा कि वो औरतें रुकैया बेगम की सेविका हैं। रात उनका किसानों के भेस में वहां होना और उसी रात मसालों का खराब होना, ये कोई संयोग नहीं है। और जैसे कि टडरमल साहब ने कहा कि आग भी मैल में से ही किसी ने लगाई, परंतु रुकैया बेगम कुछ करेंगी क्यों? एक बात का ख्याल रखना, कई बार जिन लोगों को हम अपना समझते हैं उनके चेहरे पर अपनेपन का नकाब रहता है। अपनी आंखें खुली रखना और इंशाल्लाह वो गुनेगार सबके सामने आ ही जाएगा। मगर जोधा बेगम, अब क्या किया जाए? हम सीधे रुकैया बेगम पर इल्जाम नहीं लगा सकते, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो अपना अपराध स्वयं स्वीकार कर ले। हमें ऐसे साक्ष्य ढूंढने होंगे जिनके सामने आने से वो ना ना कर सके। लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे जोधा बेगम? हमारे पास एक सुझाव है, शायद वो काम कर जाए। अगर मलिका हिंद का भोजन तैयार है तो हम ले जाएं? जी सब तैयार है।
वैसे आपको खबर मिली क्या? खबर? कैसी खबर? कि जोधा बेगम को पता चल गया है कि मसालों को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र किसका था। सुना है महल की दो बांदियां थी जिन्होंने उस रात बारिश में जाकर गोदान की खिड़कियां खोल दी, जिसे सारे मसाले भीग गए और शायद आग भी उन्होंने लगाई है। इसी महल की बांदियां? हाँ हाँ, जोधा बेगम तो बहुत गुस्से में है, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी उन्हें, क्या पता सूली पर चढ़ा दे। वैसे ये बात आप किसी को बताना नहीं, ठीक है? जोधा, काम हो गया है। उन दासियों तक ये खबर पहुंच गई कि आपको उनके बारे में पता चल गया है और आपकी एक सेविका को उन पर नजर रखने को कह दिया है मैंने। बहुत अच्छे मोती, इससे पता चल जाएगा कि कहीं इस षड्यंत्र में रुकैया बेगम तो सम्मिलित नहीं है। ईश्वर करे ऐसा ना हो। प्रणाम बेगम साहिबा, मैंने उन बांदियों को अभी अभी रुकैया बेगम के पास जाते हुए देखा। ठीक है, तुम जाओ, समय आ गया है मोती, तुम जाकर अम्मी जान सलीमा बेगम और रहीम को बुला कर लाओ। प्रणाम बेगम साहिबा। क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से तो आंख लगी थी, क्यों तंग कर रही हो मैं? दो बांदियां आपकी नजर करम चाहती हैं, वो डरी हुई लग रही हैं। अंदर भेज दो ने। गुस्ताखी माफ हुजूर, उस दिन मसाले के गोदाम में हमने खिड़कियां खोली थी, ये राज जोधा बेगम तक चला गया। हमें बहुत डर लग रहा है हुजूर, आप तो पातशाही बेगम हैं, आपको तो कोई छू भी नहीं सकता, मगर हम ठहरे बांदिया, जोधा बेगम तो हमें सूली पर चढ़ा देंगी, कुछ तो कीजिए। ठीक है, तुम पातशाही बेगम की बांदिया, कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता, तुम दोनों बेफिक्र रहो, हम सब संभाल लेंगे, जाओ यहाँ से। सुनो, एक बात याद रहे, ये बात गलती से भी तुम्हारी जबान से बाहर नहीं निकलनी चाहिए कि मसाले खराब करने का काम हमने तुम्हें सौंपा था और नकली चाबियां भी हम ही ने तुम्हें दी थी, और ना ही ये बात कि गोदाम में आग हमने लगाई थी। अगर ये राज राज रहेगा तो तुम दोनों को सजा कभी नहीं मिलेगी, समझी? परंतु अब तो सबको पता चल चुका है रुकैया बेगम।
आप इतनी गिरी हुई हरकत करेंगी? हमें नीचा दिखाने के लिए आप उन मासूम किसानों और अपने अपने सल्तनत को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएंगी? आपने चौधा बेगम को नीचा दिखाने के लिए ये चाल चली? हमें शर्म आती है आप पर रुकैया बेगम। सच में रुकैया बेगम, हम बार बार ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि आप इन सब में शामिल ना हो, परंतु नहीं, हमेशा न जाने अनगिनत बार आपने हमें नीचा दिखाने का प्रयास किया है, न जाने कितनी बार आपने हमें कष्ट दिया, परंतु हर बार रुकैया बेगम आपको अपनी बड़ी बहन मानकर हम आपको क्षमा करते आए, परंतु आज नहीं रुकैया बेगम, आज बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज बात मुगल सल्तनत की है, आज बात उन किसानों की है, उन मासूम किसानों की है, और आज आपकी वजह से विदेशों में मुगल सल्तनत का नाम खराब हुआ है, इसलिए आज हम आपको दंड अवश्य देंगे और हम अपने आप को नहीं रोकेंगे रुकैया बेगम। ये हिम्मत चौधा नहीं रुकैया, मलिकाए हिंद का हो, तुम्हारी ये हरकत ना ही काबिले बर्दाश्त है ना ही माफी के लायक। इनका अपराध मुगल सल्तनत के विरुद्ध है, इसलिए इन्हें दंड शहंशाही देंगे, परंतु शहंशाह के लौटने तक हम इन्हें इनके कक्ष में नजरबंद करने का आदेश देते हैं। हमारी अनुमति के बिना ना तो ये अपने कक्ष के बाहर जा सकती है और ना ही किसी से मिल सकती है। खाने खाना जी। इनकी नजरबंदी के कड़े इंतजाम किए जाएं। जी अम्मी जान। पलट तो होना ही है, आपसे नहीं हुआ तो वो लोग कोई और रास्ता अख्तियार कर लेंगे, और ऐसा हुआ तो आपके लिए बड़े नुकसान की बात होगी। कोई है क्या? हमें और शराब चाहिए। वक्त लगाती हो? शहजादे का इकबाल बुलंद हो, आपके लिए पैगाम है। दो इधर जाओ यहां से। शहजादे को जानिसार का आदाब मालूम हो। हुजूर, वक्त आ गया है, आप तैयार रहे। हमने अपनी फौज तैयार कर ली है, आपके इशारे पर फौरन तख्ता पलट कर दिया जाएगा। शहंशाह अभी हमारी नजरबंदी में है। क्या तैयारी करें, यहां कैसे तख्त पलटे? मुराद, अम्मी जान आप इस वक्त कैसे हो बेटा? आदाब। आदाब, देखो तुम जाओ, देखो देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं मुराद। ये उस शहजादी की तस्वीर है जिसे तुम्हारा निकाह होने वाला है। कितनी खूबसूरत है ये, तुम्हें पसंद है ना मुराद? जैसे शहंशाह लौट कर आएंगे तुम्हारे निकाह की तारीख पक्की कर दी जाएगी। हम बहुत खुश हैं मुराद, हम भी सास बनेंगे और हम तुम्हारी बीबी पर बहुत। बस अम्मी जान, बस इस तस्वीर को हमारी आंखों के सामने से दफा कर दीजिए। कितनी बार कह दिया हमें नहीं करनी शादी, समझ में नहीं आती बात आपकी। ये तुम नहीं मुराद, तुम्हारी शराब बोल रही है। तो हमें ये
पास मुराद, तुमने शहंशाह के खिलाफ साजिश रची। तुमने अपने वालिद के खिलाफ साजिश रची। तुम्हें शर्म नहीं आई मुराद? आज हमें तुम पर नहीं मुराद, आज हमें खुद पर शर्म आ रही है, हमारी परवरिश पर शर्म आ रही है। अम्मी जान, हमारी हमारी बात तो सुनिए अम्मी जान। तुमने एक बार हमारे बारे में नहीं सोचा मुराद, हमारे प्यार के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? अब जो कुछ कहना और सुनना है ना मुराद, जाकर जोधा बेगम को कहो, हम नहीं कुछ सुनेंगे तुम्हारी। दफा हो जाओ यहां से, हम कहते जाओ। शहजादे मुराद तशरीफ ला रहे हैं। मुराद इस समय यहां? मुराद आइए, क्या बात है? बात करने के लिए कुछ रहा है क्या आप अम्मी जान? कुछ छोड़ा है आपने बात करने के लिए? मुराद, ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप हमसे? हम आपकी अम्मी जान हैं। नहीं, आप हमारी अम्मी जान, आप सिर्फ और सिर्फ मलिका हिंदुस्तान है बस। आपने मदिरा पान किया है? हाँ, शराब पी है हमने, क्योंकि बस एक वो ही चीज है जो हमें सहारा देती है। सारा नहीं देता। बेटा मुराद, मदिरा पान करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। क्या अच्छा हुआ हमारी जिंदगी में आज तक बताइए ना? पहले हमें शाशा बना दिया गया, फिर हमसे वो औहदा छीन लिया, और अब जब सलीम भाईजान यहाँ पे नहीं है तो कायदे में वो उस औहदे को हमें मिले, हमें हमें हमारे हाथ में होना चाहिए था वो, लेकिन नहीं, वो लिया आपने। दीवाने खास की जिम्मेदारी उठाई आपने। बस इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात के लिए आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? हमने तो जानबूझकर आपको जिम्मेदारी नहीं सौंपी, सोचा कि अभी आप छोटे हैं, कुछ दिन और अपना बचपन जी लें, बाद में तो सियासत संभालनी ही है। परंतु फिर भी यदि आपको इतनी ठेस पहुंची इस बात को लेकर, तो ठीक है, कल दीवाने खास में हम आपको ये जिम्मेदारी सौंप देंगे। अब ये हमारे लिए करेंगे। बिल्कुल मुराद, आप हमारे बेटे ही तो हैं, और फिर माए तो बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ देती है। अच्छी क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा मुराद इतना अच्छा है। नहीं अम्मी जान, आपका मुराद अच्छा नहीं है, गुनहगार है आपका मुराद, बहुत बड़ा गुनहगार। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं अम्मी जान, एक तरफ आप जो हमारे लिए इतना सोचती हैं, हम आज तक सोचते हैं कि हमारे हमारे बारे में कोई सोचता ही नहीं, हमें कोई अपना मानता ही नहीं, हमसे गुनाह असीम हो गया अम्मी जान, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हमने, हमें माफ कर दीजिए। मुराद, हमें ठीक ठीक बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या गुनाह हुआ है आपसे? अम्मी जान, हम जाने अनजाने में उन इंग्लिशानों की बातों में आ गए, हमने उनके साथ मिलकर बहुत बड़ी साजिश कर दी अम्मी जान। हुजूर, ये लोग शहंशाह को बातों में उलझाकर आगरा से बहुत दूर ले जाएंगे और आराम फरमाने के बहाने वहीं पे रोक देंगे, और ऐसे में सिवाय आपके गद्दी पर बैठने के किसी के पास और कोई रास्ता नहीं होगा। हमें माफ कर दीजिए अम्मी जान, हम जानबूझ के नहीं करना चाहते। मुराद, तुम नहीं जानते
उन दुश्मनों का साथ देकर तुमने शहंशाह को किस मुसीबत में डाल दिया है।